हेलो नमस्ते आदाब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरी व्लॉग्स। तो भाई फाइनली चेन्नई से रुखसती का दिन आ गया है। बीच के जितने भी दिन मैं रुका था वो तो कुछ व्लॉग किया नहीं, लेकिन जैसा मैं अपने पिछले वीडियो में बोला था, जिस दिन भी मैं निकलूंगा उस दिन जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा यहाँ से वापस चेन्नई टू बैंगलोर वाली। तो ये वीडियो जो है हमारे इस चेन्नई राइड को कंप्लीट करती है। अब तो टाइम जो है 12:05 है दोपहर के, मेरे चेकआउट का टाइम जो है 12 था, बट मैं अभी पूरा पैक कर पूरा सब कुछ तैयार रखा हूँ, खुद भी तैयार हो गया हूँ, अभी निकलना है। तो मौसम जो है पूरा खुला है, आसमान धूप भी है, बट आसमान जो है मुझे ब्लू नहीं नजर आया फॉर सम रीजन, लेकिन धूप है तो वो अच्छा है। बट बैंगलोर में भी मैं चेक कर रहा था, मौसम थोड़ा अच्छा है। अब रास्ते का भी होपफुली अच्छा रहा तो, मतलब धूप रही और खुला रहा तो अच्छा रहेगा, वरना रेन गियर फिर से पहनना पड़ता, बारिश में चलाने में उतना ज़्यादा खुद मज़ा नहीं आ रहा। तो ठीक है, अभी जो है चेकआउट टाइम है, मैं निकलता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट जो है मैं आपको बाइक पर मिलता हूँ। ये ट्रिप के वास्ते ये थी मेरी रूम कुछ दिन के वास्ते। तो खैर स्टे तो बहुत अच्छा था, सर्विस भी बहुत अच्छी है, 3-स्टार होटल है वैसे, ये बिजनेस होटल भी है तो आई थिंक डिसेंट है। तो भाई लोगों टाइम जो है वो 12:30 है, बैंगलोर जो है यहाँ से 342 किलोमीटर है। मैं मेन सिटी चेन्नई नहीं जाता ये रास्ता, ये श्री परम्बदूर को अंदर से कांसे किले लेके जाकर फिर जाता, ठीक है। तो 342 किलोमीटर है, टाइम जो है 12:30 हो रही है, थोड़ा लेट होगा मुझे निकलने में, थोड़ी देर रेस्ट कर ले को बैठ गया था, फिर उसके बाद पैकिंग करना था, पैकिंग करते करते टाइम लग गए थे, जिनका था ना पूरा फैला पड़ा था, तो पूरा जो है सॉर्ट आउट करना था, तो जो भी है खैर हो गया, चलो अब निकलेंगे। तो माइक की प्लेसमेंट जो है मैं वो थोड़ा शिफ्ट कर रहा, कल बहुत दबी दबी सी आ रही थी, इससे पहले जितने भी मोटर व्लॉग करे हमें ऐसा लग रहा था जैसे माइक के अंदर एकदम डायरेक्ट घुस जा रही आवाज़, हालांकि डेड कैट उसमें पहना कुछ थे, फिर भी नहीं मालूम क्या इशू था। तो मैं क्या कर रहा, थोड़ा पोजीशन चेंज करने के चक्कर में फेविक्विक से लगाना पड़ता हो तो डेड कैट जो है पूरा ख़राब होगा उस सब के चलते। तो अब क्या करें, डेड कैट कम्प्लीटली निकाल दिया, निकाल को माइक को क्या करें, जो पैडिंग होती है ना हेलमेट की राइट एंड लेफ्ट साइड की जो पैडिंग होती है वो पैडिंग के अंदर जो है उससे अंदर माइक को डायरेक्ट डेड कैट निकाल को डायरेक्ट माइक लगा दिया। तो मुझे ये तो नहीं मालूम कि ऑडियो कैसा रखेगा, तो मैं चेक नहीं करा, बट एडिटिंग के टाइम पे तो मालूम हो जाता, बट आप लोगों ने बताओ कि पहले से अब जो है कितना बेहतर है ये बिल्कुल। श्री परम्बदूर अभी 24 किलोमीटर है, यहाँ आने से पहले अब रास्ते में ब्राज़ीलों को बारिश भी हुई थोड़ा, यहाँ तो नहीं है लेकिन वहाँ हो लेकर था, तो ऑलमोस्ट एग्जिट पर हूँ चेन्नई के, एयरपोर्ट रोड है वैसा ये जो ये लेकर जा रहा है। तो गाइस टाइम जो है 2:00 भाई, 12:30 में निकला था होटल से, 1.5 घंटा लग गया मुझे श्री परम्बदूर के हाईवे में आपको कनेक्ट होने, चेन्नई बेंगलोर हाईवे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी वहाँ, थोड़ी ड्रिजलिंग भी होने को थी, प्लस रोड पे बहुत सारा काम भी चल रहे को है। तो फाइनली हाईवे को जो है वो आ गए, यहाँ से बेंगलोर जो है 305 किलोमीटर दिखा रहा भाई, ऐसा कैसा हो, ओके ठीक है। तो 5 किलोमीटर टाइम दोपहर के 2:00, ब्रेकफास्ट जो है वो लेट ही करा, आई थिंक 10 ऐसा कुछ करा था ब्रेकफास्ट, अभी मैप की तो ज़रूरत नहीं है ऐसा हटा डालता हूँ। तो मौसम जो है आप देख सकते हैं पूरा खुला खुला है, धूप है, चेन्नई के अंदर ही छलके ड्रिजल हुई थी, रास्ते में नहीं हुई तो अच्छा है, बट लेकिन इतनी गर्मी है और इतना स्वेटिंग होगा अंदर, अगर अब थोड़ा बहुत ड्रिजलिंग होगी बारिश होगी तो चलता, अगर आप बॉडी को ठंडा करना, बहुत गर्मी होगी भाई। तो गाइस टाइम जो है 3:00, अब जाकर मुझे ये टोल रोड मिला, पूरा रास्ता जो श्री परम्बदूर से आया अब तक पूरा हाईवे पे काम चल रहा था डाइवर्जन से, तो फाइनली अब तो थोड़ा खुला मिला, कांतिपुर लंच करेंगे सोच रहा हूँ, यहाँ वैसे भी चेन्नई में या साउथ में नहीं, 3:30 के बाद मील्स अवेलेबल नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं, तो सोच रहा हूँ कहाँ तभी एक अच्छा वेज मील मिला तो खाएंगे, कोई तो होटल है ही ये, हाँ मील्स है यहाँ। खा लेंगे क्या, चलो खाना खा लेंगे यार, गैस 3:00, खाना खा लेंगे, मील्स मिलते हैं बाद में। तो गाइस ये अपना सुलेमान, जितने गाड़ियाँ खड़े थे सब चले गए, लेकिन खाना बहुत ज़बरदस्त था भाई,
खाना अच्छा था यहाँ का। तो चलो आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व करा अब वो ये है कि मैं वीडियोस चेक कर रहा था तब से, जितने भी अब तक मोटो ब्लॉग करके आया, तो बहुत गंदी रिकॉर्ड हुई है और कुछ भी मालूम ही नहीं हो रहा। तो आई एम नॉट श्योर कि ये व्लॉग जो है मैं ज़्यादा ऐसा बात करता हूँ या वॉइस ओवर देता हूँ, नहीं मालूम, बट एनीवेज देखेंगे। चलो अभी निकलेंगे। आई एम नॉट श्योर, मैं वेलूर से थोड़ा दूरी छूँ अभी। टाइम जो है 4:05 है। अगला जो टाउन आता है ना, टाउन या सिटी, वो वेलूर है। अब वो वेलूर यहाँ से कितनी दूर है मुझे नहीं मालूम। और मुझे पहला टोल गेट में बोल रहा था ना, वो पहला टोल गेट भी अब तक नहीं आया। ये रास्ते में जाने वाले कुछ डाइवर्जन गए थे इसलिए मिस हो गया, अब तक नहीं आने वाला। लेकिन मैं चेन्नई से बहुत दूर आ गया, अब तक तो वो टोल गेट आ जाना था लेकिन नहीं आया। तो सूरज जो है ढलता हुआ हमें भी बैंगलोर की तरफ वापस ढलते हुए। तो गाइस टोल गेट जो है ये अब आया। यहाँ से बैंगलोर जो है 240 किलोमीटर है और मैं जब होटल से निकला तो 340 किलोमीटर था। तो आप अगर चेन्नई आ रहे ना, तो चेन्नई सिटी एंटर करने से पहले ये आखिरी टोल गेट रहता बैंगलोर से अगर आप आ रहे हैं। तो यहाँ से चेन्नई 100 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर तक रोड जो है सही नहीं है, काम चलता रहता, कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो 12:30 बजे मैं निकला था, 4:30 बज रहे हैं, तो मुझे 100 किलोमीटर आने में 4 घंटे लगे वो डाइवर्जन और वो कामा की वजह से बहुत टाइम बर्बाद हो गया। इतने में तो मैं आधा रास्ता कवर कर जाना था। तो एनी वेज आने के टाइम तो प्रॉब्लम नहीं है, देखो वो आने का रास्ता अच्छा था, अब यहाँ जाने भी फिर डाइवर्जन आ गया। तो जो भी है खैर, लाला सूरज उसकी रोशनी रोड पर मस्त है। गर्मी थोड़ी ढल गई है, मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं है, ठंडी ठंडी हवा भी है। ऑडियो एम नॉट श्योर कितना अच्छा आ रहा होगा एज यूजुअल, लेकिन अब चलाने में थोड़ा मज़ा आ रहा है। क्रूजिंग स्पीड जो है 80 है एज यूजुअल, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। ये वेलूर की एग्जिट है वैसे। और बैंगलोर जो है यहाँ से 210 किलोमीटर कुछ है। टाइम जो है शाम के 6:00 बज रही 10 मिनट 6 बजने में। मैं जस्ट अभी चांबूर क्रॉस करके थोड़ा सामने आया कॉफ़ी पीने। आंबूर के पास जो है जंक्शन में जैसा जाने के टाइम को दिखाया था, काम चल रहा है बहुत वहाँ, वरना वहाँ बहुत अच्छा एक चाय और कॉफ़ी के शॉप्स हैं रोड की दूसरे साइड पर, वहाँ जाने तो हुआ नहीं। खैर तो थोड़ा आगे आ गया, यहाँ कोई एक छोटा कैफ़े या रेस्टोरेंट टाइप कुछ मिला, तो यहाँ जो है कॉफ़ी पी रहा हूँ। बहुत खांसी हो रही है तो थोड़ा बहुत कॉफ़ी पी को जाता हूँ। बैंगलोर का मुझे अंदाज़ा नहीं है यहाँ से कितनी दूर रहेगा, मैं मैप तो यूजली डाल को नहीं चल रहा हूँ, बट आई थिंक क्लोज टू 150 किलोमीटर कुछ अभी बैंगलोर है। कृष्णगिरी 50 या 70 किलोमीटर कुछ है, तो ओवरऑल आई थिंक 150-160 किलोमीटर रहेगा। जो एक खांसी स्टार्ट हो गई है तो इसलिए कॉफ़ी ले आऊँ, देखेंगे पी को जो है निकलेंगे। तो गैस कॉफ़ी तो पी लिया, सुलेमान माँ है, हेलमेट भी मिरर कुछ लगा दिला था मैं। चलो निकलेंगे, देखेंगे आप नाइट में कैसा शूट करता है कैमरा। तो भाई लोग हाँ, टाइम जो है 7:15 हो रहे हैं और कृष्णगिरी पहुंच गया मैं। कृष्णगिरी का जंक्शन है, लेफ्ट लिया तो सेलम जाती है, राइट लिया तो बैंगलोर जाती। बहुत ट्रैफिक जाम है भाई, बहुत ट्रैफिक जाम है यहाँ, चौथा जाम है तो बैंगलोर को गए तक क्या हालत होना। तो गाइस ये कृष्णगिरी का जंक्शन था, यहाँ से जो है बैंगलोर अब 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर्स। टाइम जो है वो 7:15। अब यहाँ के ट्रैफिक भी गाड़ी में देखो तो बेंगलुरु में कितने दिन एंटर करते नहीं मालूम, और देखना इलेक्ट्रॉन सिटी के फ्लाइवर पर कितनी भीड़ रहती है। तो एनीवेज बस ऐसा टाइम अपडेट देना था और ये बताना था लोकेशन। बाकी ये कैमरा का रिकॉर्ड कैसा करा नाइट में नहीं मालूम, अल्ट्रा वाइड एंगल में, बट मैं कैमरे में नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ा उजाला उजाला दिख रहा, तो एनहेंस करके वीडियो कैप्चर कर रहा रहेगा। बट आप लोगों ने भी कमेंट करके बताओ, ट्रैफिक तो है भाई बहुत। एनीवेज तो भाई टाइम जो है वो 8:30 है और मैं जो हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास आ गया भाई।
फाइनली 12:30 को निकल के 8:30 डिसेंट टाइम ही है बट ओके। तो गाइस मैं करंटली लालबाग के पास हूँ, टाइम जो है रात के 10 बज रहे हैं, 8:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक सिटी का फ्लाईओवर चढ़ा था मैं, मतलब वो जंक्शन क्रॉस करके टिकट जहाँ लिया था, 8:30 से सिटी एंटर करके यहाँ तक आने में मुझे खाली 1.5 घंटा लगा। आज संडे है तो सिल्कबोर्ड जंक्शन के बाद, मतलब पूरा फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद एक जगह है जहाँ बहुत सारे बसेस ठहरते हैं, वहाँ पूरा ट्रैफिक जाम था। उसके बाद सिग्नल पे भी कोरमंगला का सारा जाम दिख लगता था, बोलो डेयरी सर्कल के पास लेफ्ट लिया फ्री रहेगा बोले तो, यहाँ और भी ज़्यादा ये जो बसेस दिख रहे हैं ना जो खड़ी हैं, ये पूरे तमिलनाडु के बसेस हैं। यूजली फ्राइडे के दिन ये रोड जाम रहता है, संडे को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, संडे को पूरे बसेस वापस आ रहे हैं सिटी के अंदर, खलास पड़ ले जाने और आई थिंक मेजेस्टिक भी जाते रहेंगे, मालूम नहीं जो जहाँ भी जाते हैं, पूरा रोड जाम। मैं 9 बजे घर में रहेंगे सोचा था, यहाँ 10 बज गए, अब यहाँ से और घर तक जाने में 1/2 घंटा लग जाता, 10:30 बजे पहुँच रहा हूँ तो 12:30 को निकल कर 10:30, मतलब 10 घंटे लग गए चेन्नई से यहाँ आने, पहली बार इतना टाइम लगा। जाने के टाइम पर भी उस दिन खाली बैंगलोर से कृष्णगिरी तक 3 घंटे लगे बारिश और ट्रैफिक की वजह से, आने के टाइम पर अभी भी इतना टाइम लग जा रहा। मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम 10 घंटे लिया हूँ चेन्नई से बैंगलोर आने के वास्ते। अगली तो खैर और थोड़ा राइड्स प्लान करके हूँ मैं, देखेंगे एक एक करके जो है उनके भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ। तो होप ये वीडियो जो है आप सबको पसंद आ रहेगा गाइज, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो फैमिली ग्रुप्स में। बंगलोर वाले को तो भी देख रहे हैं तो मैं बहुत देखे आशने में एक भी ऐसा कोई चैनल या कोई ट्रैवल ब्लॉग जो लोग बैंगलोर के दक्षिणी उर्दू में बना रहे हैं, तो बस ये ज़बान को प्रमोट करने के वास्ते जो है कोशिश कर रहा हूँ कि ये बैंगलोर दक्षिणी उर्दू में ब्लॉग बनाने की, देखेंगे अपने लोगों को कितना पसंद आता। तो अपने फैमिली में और दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता, तो उस हिसाब से कंटिन्यू करना नहीं करना वो भी देखेंगे। सबकी अपनी अपनी पहचान बनती है, हर रीजन की हर ज़बान की एक बनती है। अब बैंगलोर की दक्षिणी ज़बान है ये भी जो है एक तरीके से बाहर वालों को बहुत फनी दिखती है, लेकिन बात करने में थोड़ी ये भी मीठी रहती है, ज़्यादा फिर उर्दू का तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं भी एकदम से जो है दक्षिणी उर्दू 100% नहीं है जो हम यूजली घर में बात करते हैं, तो उसे थोड़ा मॉड्यूलेट करके थोड़ा डिसेंट बनाने की कोशिश है बस। तो शेयर करो वीडियो को, देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता, उसके बेसिस पर फ्यूचर वीडियोज़ डिसाइड करेंगे। तो अगले किसी दूसरे राइड के वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखो आप सब अपना और खुदा हाफिज़।